आजमगढ़ के चौकी मनियारा में जिला महासचिव दीनानाथ राजभर के आवास पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मनाया गया 22वां स्थापना दिवस। यह स्थापना दिवस जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजभर के नेतृत्व में मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से पंचायती राज मंत्री प्रतिनिधि वकील चौरसिया रहे और उन्होंने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 22वां स्थापना दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि 1 दिसंबर 2024 को अतरौलिया में विशाल जनसभा रैली रखी गई है। इस कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाएं और मैं सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर प्रमुख महासचिव जमुना चौहान, जिला प्रभारी जगदीश राजभर, विधानसभा अध्यक्ष धीरज राजभर, जिला उपाध्यक्ष रामबचन राजभर, जिला महासचिव सुनील राजभर, ब्लॉक अध्यक्ष ठेकमा मदन मोहन राजभर, जिला महासचिव फौजदार राजभर, ब्लॉक अध्यक्ष सोनू राजभर, जिला उपाध्यक्ष जनार्दन राजभर और महिला शक्ति मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर, रोहिया न्यूज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 22वां स्थापना दिवस आप लोगों ने मनाया, क्या कहेंगे? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का आज 22वां स्थापना दिवस है और पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का। आज उसी परिवेश में इतनी बड़ी सभा आज बिहार के नवादा में हो रही है, उतनी बड़ी संख्या में किसी भी पार्टी ने आज तक जो है वो कार्यक्रम नहीं किया था। आज 22वां स्थापना दिवस है, इस अवसर पर हम सभी प्रदेश और देशवासियों से कहेंगे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की नीतियों से खुश होकर के आप सभी लोग उनके संघर्षों को देखते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जुड़ने का काम करिए और हम लोग आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करेंगे साथी। और हम लोगों की लड़ाई गरीब मजलूम जो आज तक वंचित रहे हैं उनकी लड़ाई को लेकर के माननीय नेताजी आज आगे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि आने वाले 2027 में जो सरकार बनेगी उसकी नकेल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के हाथ में रहेगी, ये आपको हम बता देना चाहते हैं कि साथी। दिन पर दिन भारतीय समाज पार्टी का कुनबा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसी परिवेश में आज हर जिले में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और 1 दिसंबर को आजमगढ़ की विधानसभा तरौलिया में महारैली रखी गई है कौड़िया बाजार में। हम सभी लोगों से आह्वान करेंगे कि 1 दिसंबर को आप लोग पहुंच करके कार्यक्रम को सफल बनाइए, नेताजी के विचारों को सुनिए। इसी आह्वान के साथ मैं सभी प्रदेशवासियों का, देशवासियों का, पूरे क्षेत्र की जनता का हमारे देश स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आप लोग हम लोगों की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर के चलने का काम करते हैं।